बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग के विरोध के बावजूद इस सरकार ने जो चुनावी बॉन्ड, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, वो जब जारी किए हैं, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर एक अमली जामा चढ़ गया है। 1 फरवरी 2017 को जब आम बजट में इस सरकार ने ये प्रावधान किया कि अज्ञात इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएं, जिसके ना डोनर का पता है, ना जितना पैसा दिया गया उसकी कोई जानकारी है, और जिसको दिया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर अमली जामा चढ़ाया गया है। किस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के यहां इलेक्शन कमीशन ने करोड़ों रुपए जब्त किए कैश में, एक लंबे समय से इन दलों ने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया और काले धन का इस्तेमाल राजनीति में किया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लगातार काले धन के ऊपर वार किया है और चुनावी प्रणाली में ईमानदार पैसे को प्रोत्साहन दिया है। एक प्रकार से अगर कहें तो दिस इज द अलायंस ऑफ द डिफीटेड एंड द डिजेक्टेड करप्ट पॉलिटिशियंस हु डू नॉट वांट क्लीन टैक्स पेड ट्रांसपेरेंट मनी टू फंड इलेक्शन प्रोसेसेस।